नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्या आप घर में अपनी मर्जी से पीएम मोदी की तस्वीर लगाना एक गुनाह है? क्या प्रधानमंत्री की तस्वीर घर में लगाने से किसी को बुरा लग सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों दाग रहा हूं। असल में मेरे ये सवाल पूछने के पीछे इंदौर का एक मामला है जो ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी से नफरत करने के मामले में कोई किस हद तक जा सकता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने वाले विपक्षी राजनेताओं के बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से नफरत करने वालों का एक अलग ही चेहरा पेश किया है। दरअसल मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी और संघ की विचारधारा से प्रभावित एक शख्स पुलिस जनसुनवाई में पहुंचा और मकान मालिक पर पीएम मोदी की फोटो घर में से हटाने और ऐसा नहीं करने पर घर खाली करने को की धमकी देने का आरोप लगाने लगा। मामले का संज्ञान लेते हुए सीनियर अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के आदेश दे दिए। हर मंगलवार को शहर के रीगल चौराहे पर मौजूद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में होने वाली जनसुनवाई में एक अनोखा ही मामला सामने आया जिसने अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया। पीर गली में रहने वाले यूसुफ ने जनसुनवाई में अधिकारियों के सामने शिकायत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रेरित होकर उसने अपने घर में पीएम की फोटो लगाई है, जिसे हटाने को लेकर मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी उस पर दबाव बना रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर घर खाली करने की धमकी तक दे रहे हैं। सुनिए पीड़ित यूसुफ की आप बीती। मैं कई दशक से पीर गली सुनसड़ लड़सड़ पीर गली के मकान में रहता हूं। वहां मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूँगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूँगा। रमज़ान का महीना आ रहा है, यहाँ तस्वीर रहना ठीक नहीं है। जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूं और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। इस फरियादी की शिकायत सुनकर जनसुनवाई में मौजूद सीनियर अफसरों ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रीगल चौराहे स्थित जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है, इसमें एक मामला आया था जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। ये पीर गली थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और टीआई को संबंधित को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब बटन दबाकर न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ जुड़ जाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। नमस्कार।